सदियों से कब बदलोगे जीने की आदत है तुमको जीते कब हो हंसना मुझे तो रात से एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? देखो बेटा, इंसान कितना शरीफ और नेक क्यों ना हो, किसी गैर की औलाद को वो मकाम नहीं दे सकता जो अपनी औलाद को देता है। दरअसल बच्चे का चाचा आया था और वो अदनान को जबरदस्ती हमसे छीन के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे को ले तो नहीं गए? नहीं, मलिया दीवार बनकर उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन हम लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर बच्चे की हिफाजत कैसे करें। शनो, मामा जी और मामी जी कहाँ? वो ना आंटी के आदमी को मसला हो गया तो आंटी का फोन आया था तो अम्मा आपा वहीं चले गए। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, मैं भी आता हूँ। वो आ गए। मामा जी, सब खैर तो है? वो यार, वो अदनान के ददियाल वाले आए थे और जबरदस्ती बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत? बात हिम्मत की नहीं है पुत्र, बात है रिश्तेदारी की। जितनी रिश्तेदारी इस बच्चे के साथ उनकी है उतनी ही इनकी है। नहीं, बात रिश्तेदारी की भी नहीं है, बात नीयतों की है। अब वो लोग जो जबरदस्ती बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उनका मकसद कुछ और है। हमें किसी के मकसद से क्या लेना देना है? तो फिर बोल क्यों रही है बीच में? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि कल को मलिया ने इस घर में ब्याह किया है, तो क्या बच्चा उसके साथ आएगा? बच्चा उसके साथ क्यों आएगा? एक ही कार है, नीचे रहेगा, नानी के पास पाल लेगी उसको। आप ना बड़े ही पोले हैं, आपने मलिया की बात नहीं सुनी थी, आपकी समझ में नहीं आई। मामा जी, मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चा मलिया के साथ ही रहेगा। ना तुम एक बच्चे की माँ से शादी करोगे? शनो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। ठीक ही तो कह रही है। मामी जी, मेरा ख्याल है कि हम इस बच्चे के इशू पर खामखा बहस कर रहे हैं। बच्चे का कोई ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं है जो हम इतने परेशान हो रहे हैं। परेशानी की बात है पुत्र जी, कल को अगर बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा ना तो उसके चाचे की और दादी की तुम्हारे साथ दुश्मनी शुरू हो जाएगी। अम्मा ठीक कह रही है, वो बच्चा सोने की चिड़िया है उनके लिए, सारी जायदाद सारा पैसा उस बच्चे के नाम है, वो अपने हाथ से क्यों जाने देंगे सोने की चिड़िया को? और पुत्र, तू अपनी जान क्यों खतरे में डालता है? रहने देना दादी के पास उसको। भाभी के घर आज जो कुछ भी हुआ मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? सुहेल अंकल और खानदान के दूसरे लोग उनसे बहुत नाराज हैं, खासकर मलिहा ने जो उनकी बेइज्जती की उससे वो सब बहुत गुस्से में हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर खानदान वाले तमाम के तमाम इनके खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए राजी हो जाए ना, ये केस हम अभी भी जीत सकते हैं शिराज। तो उनको आपने राजी करना है? करती हूँ मैं सोहेल साहब से बात, बुलाओ। लो आ गया बुलावा। अम्मी, ये तो अगले महीने की 10 तारीख की पेशी है। मलिहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता वो हमसे। अम्मी प्लीज ऐसा मत कह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहू और बेटे को मारकर भी इस औरत को चैन नहीं आया, देखना अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेगी। अम्मी, उसके अमाल उसके साथ है, हमारी नीयत तो साफ है ना, अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेगा। देखो बेटा, तुम या तो जॉब छोड़ दो या कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अम्मी,
आप इतना क्यों डर रही हैं? मैं अकेली बच्चे को कैसे संभालूंगी? अगर उस औरत ने गुंडे बदमाश भेज दिए तो? अच्छा ठीक है, अगर आप इतना डर रही हैं तो कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेती हूँ, ठीक है? आप तो शुरू में मुझे ही कसूरवार ठहराते थे, अब आया यकीन आपको? जोहा तो फिर भी बेहतर थी, मलिया तो बहुत बदतमीज लड़की है। उस वकील ने और मलिया ने सारा का सारा माहौल खराब किया है। अरे ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है कि हाजरा मलिया और इफ्तिखार के रिश्ते से खुश नहीं। जब माँ ये रिश्ता नहीं चाहती तो बेटी की इतनी जुर्रत। बहरहाल अब आपको मेरी मदद करनी है जी। अच्छा खुदा हाफिज़। मम्मी किससे बात कर रही थी? सुहेल से। हमें तो पता ही नहीं था कि हाजरा मलिया और इफ्तिखार के रिश्ते से खुश नहीं। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं तो बहुत दूर की सोच रही हूँ। क्या मतलब? तुम ऐसा करो कि मुझे इफ्तिखार की फैमिली का नंबर ला दो, बस। नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि आप करेंगी क्या। पहले तुम मुझे नंबर ला के दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या करूं। ठीक है, नंबर तो मुझे अपने वकील से भी मिल सकता है, वो और इफ्तिखार एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। मुझे नंबर चाहिए और बस। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तुम क्या कहते हो, अदालत हमारे हाथ में फैसला करेगी कि नहीं? आंटी मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि अदालत हमारे हक में फैसला सुनाए, लेकिन अदालत क्या फैसला सुनाती है ये बताना बहुत मुश्किल है। इफ्तिखार अदालत कोई भी फैसला सुनाए, लेकिन मैं किसी भी सूरत अदनान को उन जालिमों के हवाले नहीं करूंगी। मलिहा ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है, लेकिन हमें हर हालत में अदालत का हुक्म मानना होगा। अदालत तो बाद में अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन तुम्हारी मामी तो अभी से अपना फैसला सुना गई हमें, जिसने हमारी नींदें है उड़ा दी। आप लोगों से क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बच्चे को पालेगा उसकी जान को खतरा होगा, और कह रही थी कि कल मलिहा बिहा के तुम्हारे घर जाएगी, बच्चा भी तुम्हारे पास रहेगा, जो बच्चे को पालेगा उसको तो खतरा होगा ही ना, तो क्या तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? मलिहा तुम मामी की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? देखो बेटा ये बात बहुत सीरियस है, मैं नहीं चाहती कि तुम अभी जज्बात में आकर कोई फैसला कर लो और बाद में इसे पूरा ना कर सको। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इफ्तिखार तुम खुद एक वकील हो और तुम खुद इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जबानी बातों पर अगर आज एतबार कर लें तो कल हमारे लिए ही मसला होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो इफ्तिखार ये शादी ब्याह रस्म और रिवाज मेहर इस बारे में अगर हम लोग जबानी बात कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों मान जाएंगे एक दूसरे की बात, लेकिन अदनान के बारे में आज जो हम फैसला करें वो तहरीरी हो। मुझे पता है इफ्तिखार तुम्हें हमारी बात बुरी लगी होगी, लेकिन प्लीज तुम ये समझने की कोशिश करो कि ये तहरीर बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से तुम्हारी मामी बातें कर रही हैं उनकी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। देखो बेटा हमारे ख़ानदान एक दूसरे के लिए पराए हैं, मलिहा तुम्हारी बीवी होगी, इसका तुमसे मजबूत रिश्ता होगा, लेकिन बच्चे से तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं ना। और देखो ना कल को तुम्हारे खानदान वाले अगर बच्चे के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर दें तो वो कहाँ जाएगा? देखो बेटा हमारे इत्मीनान के लिए तुम बच्चे के बारे में जो भी फैसला करो वो तहरीरी करो। ठीक है, आप लोग मुझे सोचने का मौका दें, मैं आपको बताता हूँ। कल तुम्हारी शादी मलिया से होगी, तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इस बच्चे को तुम उसी तरह पालोगे जिस तरह मैं पालती? क्यों तुम इस बच्चे को अपने गले का हार बनाने जा रहे हो?
السلام علیکم مامی جان. وعلیکم السلام. آ بھیا آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا پکا پکا بزنس مین ہوگا. تھینک یو سو مچ ممی جان کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ تو کیا لیکن آج مجھے دیر آپ کی وجہ سے ہوگی. کیوں بھائی میری وجہ سے کیوں دیر ہوگا؟ آپ کو افتخار کا نمبر چاہیے تھا, اسی سلسلے میں میں اپنے وکیل کے پاس گیا, بڑی مشکل سے نمبر ملا. مل گیا نمبر؟ لا دو. اس میں افتخار کا موبائل نمبر اور لینڈ لائن نمبر ہے. شیراز تمہیں نہیں پتا تم نے میرا کتنا بڑا کام کر دیا, اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. اچھا یہ تو پتا ہے کہ آپ کریں گے کیا؟ یہ مت پوچھو ابھی, یہ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گی. ہمارے وکیل بڑے پریشان ہو گئے تھے, پوچھ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کو آخر افتخار کا نمبر کیوں چاہیے. شیراز تمہیں نہیں پتا مجھے یہ کیس ہر حال میں جیتنا ہے, چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے, سیدھا یا ٹیڑھا. Let's see. چلو جلدی سے جا کے فریش ہو جا, پھر ساتھ کھانا کھاتے جا. ٹھیک ہے میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں. کیا کروں, کیا ملیحہ کو لکھ کر دوں کہ میں شادی کے بعد بچے کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں گا؟ آخر ملیحہ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یا بچہ ملیحہ کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہیلو افتخار بول رہے؟ جی آپ کون ہیں؟ میں بیٹے زوہا کی ساس بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ کیا پوچھتے ہو, جس ماں کا جوان بیٹا چلا جائے دنیا سے اس کا کیا حال ہوگا؟ جی جی بالکل. افتخار میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. مجھ سے؟ ہاں. آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے مخالف کا وکیل ہوں, پھر بھی مخالف وکیل ہونے کا یہ مقصد تو نہیں کہ تم میرے دشمن ہو, میں تو تمہیں بھی اپنے شیراز کی طرح سمجھتی ہوں. کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ میں ضرور آتا لیکن چونکہ ابھی کیس زیر سماعت ہے اس لیے مناسب نہیں لگے گا. سنو اگر تم نہیں آ سکتے تو مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دو. لیکن آپ کیوں آنا چاہتی ہیں؟ افتخار مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. میں چاہتی ہوں کہ عدالتی کاروائیوں میں پڑھ کر ہم اپنا ضروری وقت ضائع نہ کریں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. میں تم سے اپنا موقف بیان کرنا چاہتی ہوں, اگر تمہیں پسند نہ آئے تو تم انکار کر دینا. آپ کے آنے سے خامخواہ میں ملیحہ اور آنٹی کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بس تم میری ایک بات سن لو, بلکہ ایسا کرو کہ تم چاہو تو حاضرہ کو بتا دو. اب میں آپ سے کیا کہوں؟ پلیز افتخار مجھے تھوڑا سا وقت دے دو. دیکھو اس میں اس بچے کی بھلائی ہے جو یتیم ہو گیا. میں صبح تمہارے گھر آ جاتی. اچھا ٹھیک ہے آ جائیے. ٹھیک ہے بیٹے خدا حافظ. اللہ حافظ. جی ممی. بیٹے سگرا سے کہنا کہ صرف تمہارا ناشتہ بنا دے. لیکن آپ جا کہاں رہی ہیں؟ یہ میں تمہیں آ کے بتاؤں گی, مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ممی. ممی کو کیا ہو گیا؟ یہ کہاں گئی ہوں گی؟ آئیے تشریف رکھیں. یہ اتنے بڑے وکیل ہو اور یہ رہائش ہے تمہاری؟ جی یہ کرائے کا مکان ہے آپ تو جانتی ہیں. بے شک کرائے کا ہے
लेकिन कम अज कम तुम्हारे शायान शान तो होना चाहिए ना। खैर जी, मेरी बात का बुरा ना मानना। अगर तुम्हारे दिल को ये बात लगे तो मान लेना, नहीं तो इनकार कर देना, क्योंकि आज मैं खुले दिल से तुमसे चंद बातें करने आई। जी, मैं भी आपकी बात साफ दिल से सुनूंगा। देखो इफ्तिखार, जिंदगी में हर इंसान को कुछ मौके मिलते हैं, तुम्हें भी एक मौका मिला। तुम चाहो तो इससे फायदा उठा लो, चाहो तो जाया कर दो। मैं समझा नहीं आपकी बात। कहने की बात यह है कि तुम जितनी चाहे रकम मेरे से ले लो, बस ये मुकदमा हमारे हक में करवा दो। वकालत सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, इबादत है। मैं रिश्वत लेकर इंसाफ का कत्ल कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम मेरी इस ऑफर को गुनाह समझते हो तो मत करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि मुझे मेरा पोता उन लोगों से दिलवा दो। ये फैसला अदालत करेगी। तुम बताओ तुम्हारा जहन क्या कहता है, बच्चे का असल वारिस कौन है, नानी, खाला या दादी? देखो बेटे, वो हमारा खून है। आंटी, मैं यहाँ कोई दलाइल पेश नहीं करना चाहता, ये दलाइल देने की जगह नहीं है। दलाइल देने की असल जगह अदालत है। कल तुम्हारी शादी मलिया से होगी, तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इस बच्चे को तुम उसी तरह पालोगे जिस तरह मैं पालती? क्यों तुम इस बच्चे को अपने गले का हार बनाने जा रहे हो? मैं तुम्हें वसूख से कह सकती हूं, ये बच्चा तुम्हारे और मलिया के दरमियान दराड़े डाल देगा। ये बात आप मुझसे करने की बजाय अगर आंटी से करेंगी तो बेहतर है। तुम उनके दामाद बनने जा रहे हो, मुझे तुमसे इंतहाई हमदर्दी है। वो दोनों औरतें बेवकूफ और जज्बाती हैं, तुम ही उनको समझाओ। बेशक अयाज अपनी सारी जायदाद अदनान की वजह से उनके नाम कर गया है, वो रखे जायदाद अपने पास, मुझे तो सिर्फ मेरा पोता दे दे। तुमने उससे पूछा नहीं उस दिन से हमारा सामना क्यों नहीं कर रहा? मोनी छुपा रहा था हमें, हमने जो बात कही थी उसे नाराज था वो। मुझे पता था वो कभी लिख कर नहीं देगा। ओ पुत्र जी, जब तेरी नीयत खराब नहीं थी तो फिर तुझे मलिया से या उसकी माँ से डरने की क्या जरूरत है? मामी जी, डरने की बात नहीं, इस बात की वजह से मेरे और मलिया के दरमियान बदगुमानी पैदा हो गई है, और वो मलिया की अम्मी ने भी नाराजगी का इजहार किया है। Some